बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां पर सरपंच संघ 22 अगस्त से पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार सरपंच संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मैदानी स्तर पर हड़ताल की जा रही है। सरपंच जमीनी स्तर से जुड़े होने के नाते सभी लोगों से व उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों को छीनते हुए किसी भी छोटे से कार्यों को सरपंच से छीनकर ISREs को दे दिया जाता है। इन सभी परिस्थितियों को देख हड़ताल की जा रही है। सरपंचों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत में होने वाले सभी शासकीय कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। सरपंचों द्वारा कहा गया है कि सरकार सरपंचों की मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो प्रदेश स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ 7 दिन कका कका कहकर चिल्ला रहे हैं और आज सरपंच लोग हम अपने बस्ती के नजर में छोटे बड़े वादों के संग में हम मुख्य परेशानी यही है कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है, न पेंशन मिलता है, और ऐसे मिलता है तो हमारे से ज्यादा बनिहार कमा रहा है। यही परेशानी हमारा 13 सूत्री मांग का, और हमारा जो फंड है 27 टुकड़ा में बट रहा है। सरपंच एक नाम का और बदनाम का सरपंच रह गया। भैया हम लोग 13 सूत्री मांग के लिए यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा 13 सूत्री मांग है प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार। आज हम लोग का 7वां दिन है जिसपे हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। जैसे कि सरपंचों का मानदेय हैं, पंचों का मानदेय हैं, और आवास की बात है, 2 साल कोरोना काल गए हैं उसकी बात है, मनरेगा की बात है, पंडवित का जो समायोजन है उसकी बात है। ऐसे करके 13 सूत्री मांग के लिए हम लोग सरपंच संघ यहाँ नवागढ़ में बैठे हुए हैं।